अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की पहले स्टेटमेंट देखते हैं, वो क्या है। स्टेटमेंट में कहता है लेट ए क्या एक मैट्रिक्स है जो बी और सी, वेरीफाई वेदर। इसमें हमने प्रूफ करना है कि दो मैट्रिसेस यानी कि ए बी सी हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन है, इनको हमने सॉल्व करके हमने ये देखना है क्या ये इसका आंसर आपस में इक्वल आता है या नहीं आता, ये हमने वेरीफाई करना है। आइए स्टार्ट करते हैं कि पहला पार्ट है ए बी इक्वल है बी ए के। सबसे पहले प्रूव ये करना है कि ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ और फिर हमने चेक करना है क्या ये कि मैं लेफ्ट हैंड साइड का लिख दिया है। पहले मैं लिखूंगा ए की वैल्यू जैसे कि लिख दी है मैंने, अब बी की वैल्यू में क्या होगा 1, 2, -3, -5। ए और बी की दो वैल्यू जब मैंने लिख दी, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। प्लस 3 × -3, उसी तरह आगे -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 × -5। अब इसके बाद आगे देखते हैं 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। अब इसको आगे देखते हैं -1, -9, -2, -15, 2 + 0, 4 + 0। अब जब इसको आगे देखते हैं क्या आता है आंसर, -10, -17, 2 और 4। जैसा कि हमारा ए और बी का रिज़ल्ट आ गया, अब हम चेक करेंगे बी और ए का भी क्या यही रिज़ल्ट आता है। मैं एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं बी और ए को यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। बी की वैल्यू लिखूँगा 1 - 3, 2 - 5। ए की वैल्यू है हमारे पास -1, 2, 3, 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 - 1 + 2, 2, फिर उसके बाद 1, 3 + 2, 0, -3, -1 + -5, 2, -3, 3 + -5, 0। -1 + 4, 3 + 0, 3 - 10, -9 + 0। बी ए का फाइनल देखते हैं क्या आता है, 3, 3 - 7 और -9। अब चेक करते हैं क्या ए और बी और बी ए आपस में इक्वल हैं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं आए, इन दोनों के आंसर टोटल डिफरेंट हैं। तो इट्स मीन के अब हम ये लिख सकते हैं कि बी सॉरी मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यही हमारा आंसर आ गया। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख देता हूँ। अब पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे बी और सी को। अब बी और सी की पहले मैं वैल्यू लिखूँगा 1 - 3, 2 - 5 और उसके बाद सी है हमारे पास
2, 1, 1, 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2 को 1 के साथ, फिर इसी तरह 1 को 1 के साथ प्लस 2 को 3 के साथ। अब नीचे देखते हैं माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और प्लस माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ प्लस माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। टू प्लस टू, वन प्लस सिक्स, माइनस सिक्स, माइनस फाइव, उसके बाद माइनस थ्री और माइनस 15। बी और सी का रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। 4 और ये 7, माइनस 11, माइनस 18। ये बी और सी आ गया। अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए को, वो कैसे, मैं लिखूंगा ए बी और सी। अब इस मैट्रिक्स को साथ में लिखूंगा कैसे, ए की पहली वैल्यू लिखूंगा माइनस 1, 3, 2, 0 और सी की वैल्यू, ए बी और सी की वैल्यू है 4, 7, माइनस 11, 18। अब हम ये देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। इसको अब हम यहाँ पे आगे लिखते हैं, यहाँ पे इस जगह पे ये मैंने लाइन इसलिए लगा दी कि ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। ए पी सी, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 11 के साथ। इस तरह ही आगे देखेंगे, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, फिर उसके बाद प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18 के साथ। अब यहाँ पे देखते हैं 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 11 के साथ। इसी तरह फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18 के साथ। ए बी और सी को जब मैं देखूंगा तो आएगा माइनस 4 प्लस, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस 33, माइनस 7, 18 3 होते हैं हमारे पास, माइनस 54 आएगा। उसके बाद 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 0, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्लस 0, 37, माइनस 61 और साथ यहाँ पे 8 और 14। ये हमारा एक रिज़ल्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम इसके बाद देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड के लिए उसी तरह ही हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर उसके बाद बाकी को सॉल्व करेंगे। माइनस 1, 2, 3, 0 और बी है हमारे पास 1,
माइनस थ्री, टू, माइनस फाइव। अब इसको जब सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस वन को मल्टीप्लाई करते हैं वन के साथ, प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री के साथ, इसी तरह ही माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ, प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव के साथ। अब यहाँ पे देखते हैं, टू को मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ, प्लस ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री के साथ, इसी तरह ही टू को मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ, प्लस ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव के साथ। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस वन, माइनस नाइन, माइनस टू और माइनस फिफ्टीन। अब यहाँ पे आएगा टू प्लस ज़ीरो, फोर प्लस ज़ीरो। ए बी का हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है माइनस टेन, माइनस सेवनटीन, टू और फोर। ये ए बी जब हम आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा एक रिज़ल्ट आया। अब हम देखते हैं ए बी के साथ अब हम सी को भी मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने ये साइड रेज कर दी है क्योंकि जगह की कमी की वजह से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। तो ये जब ए और बी का रिज़ल्ट आ गया, अब हमने ए बी और साथ सी लिखना है, ए बी सी। ए बी की वैल्यू आ रही है माइनस टेन, टू, माइनस सेवनटीन, फोर, और सी की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है टू, वन, वन, थ्री। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, माइनस टेन को मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ, प्लस माइनस सेवनटीन को मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ, फिर उसके बाद फिर माइनस टेन को मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ, और प्लस माइनस सेवनटीन को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के साथ। अब आगे देखते हैं, टू को मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ, प्लस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ, इसी तरह ही टू को मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ, प्लस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के साथ। अब जब इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं, ए बी सी, ये आ जाएगा माइनस ट्वेंटी, माइनस सेवनटीन, और फिर इसी तरह ही माइनस टेन, फिफ्टी वन। यहाँ पे आएगा फोर प्लस फोर, टू प्लस ट्वेल्व। जब इसको आगे देखते हैं, ए बी सी, ये माइनस थर्टी सेवन आ जाएगा, और ये माइनस सिक्सटी वन, एट और फोर्टी। अब हम देखते हैं क्या ये दोनों आपस में सेम हैं या नहीं। ए बी सी पहले का ये आंसर था, माइनस थर्टी सेवन, माइनस सिक्सटी वन, एट, फोर्टीन, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर आया है हमारा दोनों साइडों का। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी इक्वल है ए बी सी के, ये हमारा आंसर है, ये हमारा इक्वल दोनों साइडें आ गई, बोथ साइड्स। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर टू फाइव का पार्ट टू ख़त्म हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें जस्ट कुछ एडिशंस भी हैं
और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। पहले इसी तरह ही सारे क्वेश्चंस की तरह पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर देंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, हमेशा एक रूल है कि ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बी प्लस सी को देखते हैं। बी प्लस सी को मैं लिखूंगा पहले बी की वैल्यू 1-3, 2-5 प्लस का साइन डाला और सी का है 2-1, 1-3। अब इसको सॉल्व करते हैं बी प्लस सी को। 1+2, 2+1, -3+1, -5+3। इसका जो फाइनल एक आंसर देखते हैं क्या आता है, वो आता है 3, 3-2 और -2। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए को। ए के लिए ए बी प्लस सी वैसे ही लिख दिया इक्वल। अब ए की वैल्यू क्या है, -1, 2, 3, 0 और जो हमारा एडिशन के बाद आंसर आया था वो 3, 3-2, -2। इसके साथ अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे आंसर क्या आएगा। उसी तरह ही जिस तरह पहले कर रहे हैं कि -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला, और इसके बाद स्पेस थोड़ी दे के फिर उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और +3 को -2 के साथ। अब नीचे देखते हैं, इसी तरह 2 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 के साथ और दरम्यान में +0 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये थोड़ा मैंने मिस्टेक से लिख दिया, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, फिर इस तरह 2 को करेंगे 3 के साथ +0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। जैसा कि मैंने लिख लिया, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आएगा -3, -6, -3, -6, ये 6+0, 6+0, P प्लस सी इक्वल आएगा। इसका आंसर अब देखते हैं, -9, -9, 6, 6। ये अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकल आया। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड का आंसर। मैं इसी तरह ही RHS लिख के आगे सॉल्व करके देखता हूँ। इसमें पहले A और B और A और C आपस में दो मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, -1, 2, 3, 0 और बी है हमारे पास 1-3, 2-5। ए बी का अब रिजल्ट देखते हैं, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, +3 को -3 के साथ, इसी तरह -1 को 2 के साथ, +3 को -5 के साथ, अब इसके साथ 2 को 1 के साथ, +0 को -3 के साथ, इसी तरह 2 को 2 के साथ, +0 को -5 के साथ। अब इसको A और B का आंसर देख आगे सॉल्व करते हैं क्या आता है, -1, -9, -2, -15, 2+0, 4+0। इसका फाइनल देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इसका आता है -10, -17, 2 और 4। ये ए और बी का आंसर आया। अब इसी तरह हम बी और सी का, ए और सी का देखते हैं।
ए और सी को देख लेते हैं। ए की वैल्यू है -1, 2, 3, 0 और सी है हमारे पास 2, 1, 1, 3 और सी की अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं -1, 2 से +3, 1 से, इसके बाद -1, 1 से +3, 3 से। दोबारा नीचे देखते हैं 2, 2 से +0, 1 से, उसके बाद 2, 1 से +0, 3 से। ए और सी का अब देखते हैं सिंपलीफाई करके -2 +3 -1 +9 4 +0 2 +0। इसका फाइनल आंसर देखते हैं क्या आता है 1, 8, 4, 2। जैसा कि ए और सी का हमारा ये आंसर आ गया और ए और बी का ये आंसर आ गया, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ए बी प्लस ए सी, ए बी का आंसर आया था -10, -17, 2 और 4 प्लस ए सी का है 1, 4, 8, 2। इसको मैं आगे सॉल्व करके देखता हूँ -10 +1 -17 +8 2 + 4 4 + 2। अब आखिरी आंसर चेक करते हैं क्या आया इसका, ये फाइनल आंसर हुआ इसका -9 -9 6 और 6। लें जी, ये हमारा राइट हैंड साइड भी सोल्व हुआ। अब हम देखते हैं दोनों को कंपेयर करके चेक करते हैं क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ए बी प्लस सी -9 -9 6 6 और इसी तरह ही -9 -9 6 6। लें जी, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है दोनों साइडों पे। तो अब हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस सी बराबर है या इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। यही हमारा आंसर है, हमने प्रूव कर लिया है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हुआ कंप्लीट। अब सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 को हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। पार्ट 4 में देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। पिछले क्वेश्चन पार्ट 3 से काफ़ी मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, बस इसमें माइनस के साइन है। पहले इसी तरह ही उसमें प्लस हो रहा था, इसमें माइनस कर देंगे। बी माइनस सी को माइनस करते हैं 1, 2, -3, -5, माइनस का साइन लगाया और 2, 1, 1, 3। देखिए जी बी माइनस सी को देखते हैं 1, -2, 2, -1, -3, -1, -5, -3। इसका आंसर क्या आएगा -1, 1, -4, -8। अब इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को मल्टीप्लाई कर देंगे बी माइनस सी वाले आंसर के साथ। ए की वैल्यू है -1, 2, 3, 0, ए आएगा -1, 1, -4 और -8। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे +3 को -4 के साथ कर देंगे। इसी तरह
माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ, प्लस थ्री को माइनस एट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टू माइनस वन प्लस ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस फोर के साथ, इसी तरह टू को वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एट के साथ। अब देखते हैं क्या आगे सॉल्व का आता है आंसर। माइनस वन प्लस वन हो जाएगा और माइनस ट्वेल्व, उसी तरह ही माइनस वन और माइनस ट्वेंटी फोर, एट थ्री ज़ा 24। अब टू को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा और प्लस ज़ीरो, और उसके बाद टू प्लस ज़ीरो। लें जी इसका अब फाइनल आंसर देखते हैं क्या आया है राइट हैंड साइड का। वो आएगा माइनस अलेवन माइनस 25 माइनस टू और ये टू, ये इसका फाइनल आंसर आया है राइट हैंड साइड का। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, अब हम राइट हैंड साइड का भी आंसर चेक करते हैं। पहले ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन को मल्टीप्लाई किया वन के साथ, प्लस थ्री को माइनस थ्री के साथ, इसी तरह माइनस वन को मल्टीप्लाई किया टू के साथ, थ्री को माइनस फाइव के साथ। अब इसके बाद टू को मल्टीप्लाई किया हमने वन के साथ, प्लस ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया माइनस थ्री के साथ, इसी तरह टू को किया वन सॉरी टू के साथ, प्लस ज़ीरो को किया माइनस फाइव के साथ मल्टीप्लाई। अब ए बी को आगे देखते हैं क्या आता है रिज़ल्ट। ये आ जाएगा माइनस वन माइनस नाइन माइनस टू और माइनस फिफ्टीन, टू प्लस ज़ीरो फोर प्लस ज़ीरो। इसका फाइनल देखते हैं क्या आता है, माइनस टेन माइनस सेवनटीन टू फोर। ए बी का हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह ही हम ए और सी का भी आपस में चेक करेंगे आंसर। ए सी माइनस वन टू थ्री ज़ीरो और सी है हमारे पास टू वन वन थ्री। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस वन को टू के साथ, प्लस थ्री को वन के साथ, इसी तरह माइनस वन को वन के साथ, प्लस थ्री को थ्री के साथ। अब आगे है टू को टू के साथ, प्लस ज़ीरो को वन के साथ, इसी तरह ही टू को वन के साथ और प्लस ज़ीरो को थ्री के साथ। इसका आगे सॉल्व करके देखते हैं। ए सी ये माइनस टू प्लस थ्री माइनस वन प्लस नाइन फोर प्लस ज़ीरो टू प्लस ज़ीरो, ये वन प्लस एट आ जाएगा, सॉरी वन और एट फोर और टू आ जाएगा। ये हमारा ए और सी की भी वैल्यू आ गई। अब हम चेक करते हैं ए बी को माइनस करेंगे एक सी के साथ। ए बी माइनस ए सी, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास जो ऊपर आई थी, माइनस टेन माइनस सेवनटीन टू और फोर माइनस
1842 के साथ माइनस कर देंगे। इसको सिंपलीफाई करते हैं, माइनस 10 को माइनस 1 और फिर माइनस 7 माइनस 8 2 माइनस 4 और 4 माइनस 2 ए बी माइनस ए सी मैंने दोबारा लिखा। ये जी आ गया माइनस 11 माइनस 25 आ जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा और ये प्लस 2 आ जाएगा। लें जी अब हमारा ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन भी सॉल्व हो गया है। अब इसका आंसर दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। इट्स मीन के इसको हम लिखेंगे ए बी माइनस सी इक्वल है ए बी माइनस ए सी, यही हमारा आंसर होगा। लें जी क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 1.4 का आखिरी क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट में कहता है कि ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ और फिर उसका ट्रांसपोज भी निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम ए बी सी पहले से हमें गिवन है वैल्यू, अब हम क्या करेंगे पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। पहले मैंने ए की वैल्यू लिखी, अब उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बी को। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। माइनस 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस 3 को माइनस 3 के साथ, इसी तरह ही माइनस 1 को 2 के साथ, प्लस 3 को माइनस 5 के साथ। अब 2 को करेंगे 1 के साथ, प्लस 0 को करेंगे माइनस 3 के साथ, इसी तरह ही 2 को करेंगे 2 के साथ, प्लस 0 को माइनस 5 के साथ। ए बी को आपस में जब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या है आता है, माइनस 1 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 15 2 प्लस 0 4 प्लस 0। अब ए और ए बी का जो आ रहा है माइनस 10 माइनस 17 2 और 4, ये ए और बी का आपस में मल्टीप्लाई रिज़ल्ट आया। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज आपको मालूम होगा जब पीछे हमने किया है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में तब्दील कर देंगे। तो ए बी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आएगा माइनस 10 2 माइनस 17 4। ये हमारा ट्रांसपोज के बाद रिज़ल्ट आया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में पहले कहता है कि बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज अलग-अलग सोल्व करके फिर उसका मल्टीप्लाई करना है। पहले हम बी को बी का ट्रांसपोज लिख लेते हैं। मैं क्या है बी की वैल्यू है 1 माइनस 3 2 माइनस 5। अब इसको जब ट्रांसपोज लेंगे तो 1 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 माइनस 5 ऐसे आ जाएगा। इसी तरह ए का ट्रांसपोज भी चेक कर लेते हैं, वो क्या आएगा माइनस 1 2 ये कॉलम में था अब ये रो में लिख दूंगा मैं, उसके बाद 3 0 ये भी कॉलम में है तो ये रो में लिख दूंगा। इस तरह से हमारा ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट देखेंगे। बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 माइनस 3 माइनस 5 और ए है माइनस 1 3 2 0। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस 1 प्लस माइनस 3 3 उसके बाद 1
टू प्लस माइनस थ्री ज़ीरो। अब इसको दोबारा देखते हैं, टू माइनस वन प्लस माइनस फाइव थ्री, उसके बाद टू टू प्लस माइनस फाइव ज़ीरो। ये आया माइनस वन माइनस नाइन टू प्लस ज़ीरो माइनस टू माइनस फिफ्टीन फोर प्लस ज़ीरो। अब इसका फाइनल आंसर देखते हैं, बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का, माइनस टेन टू माइनस सेवनटीन और फोर। ये देखें कि हमारा बोथ साइड सेम है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है बी ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव्ड लिख देंगे। अब हम शुरू करते हैं इसके अगले पार्ट पे। अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स के पार्ट टू को देखेंगे, जो कि ये आखिरी पार्ट है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.4 का। अब देखते हैं कि सबसे पहले जो इसमें हमने करना है कि बी और सी का मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज देना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन से काफ़ी सिमिलर है ये क्वेश्चन। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे बी और सी को आपस में, वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव। अब इसके साथ लिखेंगे माइनस टू सिक्स थ्री माइनस नाइन। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वन माइनस टू प्लस टू को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद फिर वन को सिक्स के साथ प्लस टू को माइनस नाइन के साथ। अब इसी तरह ही माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू के साथ प्लस माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के साथ, फिर माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स के साथ प्लस माइनस फाइव को करेंगे माइनस नाइन के साथ। अब बी और सी का रिजल्ट देखते हैं, माइनस टू प्लस सिक्स सिक्स माइनस एटीन। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा सिक्स माइनस फिफ्टीन और माइनस एटीन प्लस फोर्टी फाइव इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। माइनस टू प्लस सिक्स क्या फोर हो गया, माइनस इसमें से सिक्स निकाले तो ये ट्वेल्व बचा, माइनस ट्वेल्व। उसके बाद यहाँ पे आया माइनस नाइन और फोर्टी फाइव में से जब हमने एटीन निकाले तो हमारे पास थर्टी, तो फिर ये हमारा बचा एट माइनस एटीन प्लस टू फोर्टी फाइव, तो ये बचा 27। जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, फोर माइनस नाइन माइनस ट्वेल्व और 27। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसका देखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए पहले सी का ट्रांसपोज चेक करते हैं क्या आएगा, वो आएगा माइनस टू थ्री सिक्स माइनस नाइन, और उस तरह ही बी का ट्रांसपोज हमारा क्या आएगा वो भी देख लेते हैं, वो आएगा वन माइनस थ्री टू
माइनस फाइव। जब ये दो ट्रांसपोज हमने लिख लिए तो अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी का ट्रांसपोज, माइनस टू थ्री सिक्स माइनस नाइन, वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव, सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, माइनस टू वन प्लस थ्री टू, इसी तरह ही माइनस टू माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस फाइव। सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ प्लस माइनस नाइन को मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ, और सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री के साथ प्लस माइनस नाइन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव के साथ। अब हम आपको मज़ीद सॉल्व करके दिखाते हैं। सी टी बी का ट्रांसपोज, ये माइनस टू प्लस सिक्स, ये प्लस में आ जाएगा माइनस माइनस, तो फिर क्या आएगा सिक्स जवाब, और फिर माइनस फिफ्टीन, सिक्स माइनस एटीन ट्वेंटी, सिक्स थ्री ज़ार एटीन सॉरी, तो ये माइनस एटीन आ जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस फोर्टी फाइव। सी का ट्रांसपोज और डी का ट्रांसपोज, इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये आ गया फोर माइनस नाइन माइनस ट्वेल्व और ट्वेंटी सेवन। लें जी हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट टू भी कंप्लीट हुआ, और ये एज इट इज़ प्रूव हो गया कि बी सी का ट्रांसपोज इक्वल है सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज के, ये हमारा प्रूव हो गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.4 हुई कंप्लीट। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली अपडेट मिलती रहें। और इसके साथ ही मुझे हारून रशीद मुगल को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।